गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस, टुडे 25 जनवरी। आज बच्चों आपको क्या निकालनी है, आज आपको ईवीएस की प्रैक्टिस बुक ओपन करनी है। आज हम कोर्स बुक में नहीं करके प्रैक्टिस बुक में वर्क करेंगे। ओके बेटा, देखिए आपकी प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2। चलिए इसमें हम ओपन करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 9, वाटर। वाटर चैप्टर आप लोगों को पता ही है कि हमारा कोर्स बुक में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, आज हम इसको कंप्लीट कहाँ पे करेंगे, हमारी प्रैक्टिस बुक में। तो यहाँ पे आप निकालिए पेज नंबर 4, चैप्टर नंबर 9, वाटर। ठीक है, स्टार्ट की करते हैं हम। यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी दी हुई है, माई टर्न वन में हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए मैं स्टार्ट करती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ रीडिंग करेंगे। अर्थ इज़ ए ब्लू प्लैनेट। अर्थ क्या है, हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है, ब्लू प्लैनेट की तरह है। मोस्ट ऑफ इट इज़ कवर्ड विथ वाटर। हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो भूमि है, ज़मीन है, वो मोस्ट ऑफ द मतलब ज़्यादातर चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है। दिस इज़ द वर्ल्ड मैप। ये देखिए हमारा पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा संसार है, उसका मैप हमारे सामने दिया हुआ है। कलर द वाइट पार्ट विथ ब्लू कलर। जो इसका वाइट पार्ट है, वाइट सफ़ेद हिस्सा दिया हुआ है, उसको हमें क्या करना है, उसको हमें ब्लू कलर से भरना है। एंड सी हाउ मच वाटर अवर प्लैनेट हैज़। और हमें ये देखना है ब्लू कलर भरने के बाद कि हमारी जो अर्थ है वो कितनी पानी से भरी हुई है। तो हमें क्या करना है बच्चों, कि जो वाइट पार्ट दिया हुआ है उसमें क्या करना है, ब्लू कलर फिल करना है। तो आप क्या करोगे इसमें, माई टर्न वन में इसमें आपको जो वाइट पार्ट दिखाई दे रहे हैं उनमें ब्लू कलर फिल करना है चारों तरफ। ओके, उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारी कितनी अर्थ है वो पानी से भरी हुई है। कलर कौन सा करोगे, जो वाइट हिस्से दिखाई दे रहे हैं सब में क्या करोगे, ब्लू कलर फिल करोगे। इसके बाद टर्न कीजिए पेज नंबर 5। ओके बेटा, ये देखिए ये है हमारा पेज नंबर 5, माई टर्न 2। इसमें सबसे ऊपर से स्टार्ट करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लूज। मतलब हमें क्या करना है, ये जो येलो रंग का बॉक्स दे रखा है इसके अंदर कुछ वाटर से रिलेटेड चीज़ें दी हुई है, उनकी सहायता से हमें यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक दे रखे हैं उन्हें फिल करना है। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, द क्लाउड्स इन द स्काई मेक रेन। जो आकाश के अंदर बादल बनते हैं उनसे क्या होती है, बारिश होती है। ये चीज़ें तो हम सबको क्लियर है, हमने कोर्स बुक में वाटर चैप्टर में सब कुछ पढ़ लिया है, फिर भी हम लोग एक बार देखते जाएंगे। यहाँ पे ए है, ए में क्या दे रखा है, डैश फॉल्स ऑन अर्थ एट डिफरेंट प्लेसेस। मतलब क्या चीज़ ऐसी है जो डिफरेंट प्लेसेस पे ज़मीन के अलग अलग हिस्सों में गिरती है, फॉल मतलब गिरना। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, रेन, बारिश अलग अलग हिस्सों में हमारी अर्थ के अलग अलग भागों में गिरती है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले ब्लैंक में हम फिल करेंगे RAIN, रेन। फिर है बी है, रेन वाटर फिल्स वाटर बॉडीज लाइक, मतलब जो रेन वाटर है, जो बारिश का पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, वो पानी कहाँ पे जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट ब्लैंक में पॉन्ड्स, पॉन्ड्स मीन्स तालाब, एंड रिवर्स, रिवर्स मीन्स नदी। जो पानी ऊपर से नीचे बच्चों गिरता है, रेन वाटर, वो कहाँ पे जाता है, तालाब और नदी में जाता है। उसके बाद सी पे है, पॉन्ड्स एंड लेक्स आर सराउंडेड बाई डैश फ्रॉम ऑल द साइड्स। जो पॉन्ड्स और लेक्स हैं, तालाब और नदियाँ हैं, वो किससे घिरी हुई है चारों तरफ से बच्चों, वो ज़मीन से घिरी हुई है। तो उसमें आएगा थर्ड वाले ब्लैंक में हम फिल करेंगे LANDED, लैंड। समझ गए आपको, ठीक। फिर फोर्थ वाला देखिए, माउंटेंस हैव स्नो। माउंटेंस जो होते हैं, पहाड़ जो होते हैं, हमारे पर्वत जो होते हैं ऊंचे ऊंचे, उनके ऊपर क्या रहती है, बर्फ रहती है। व्हेन द स्नो मेल्ट्स इट बिकम्स वाटर। और वो स्नो, वो जो बर्फ़ रहती है पहाड़ों के ऊपर, जब वो पिघलती है, मेल्ट मतलब पिघलना, और वो पिघलती कैसे है, जब धूप सनलाइट उसके ऊपर, सनलाइट आइस के ऊपर पड़ती है, बर्फ़ के ऊपर पड़ती है, तो बेटा बर्फ़ क्या होती है, वो पानी का रूप ले लेती है। फिर डी देखिए,
मेल्टेड स्नो गिव्स, जो बर्फ़ पिघल जाती है वाटर टू द, मतलब वो जो बर्फ़ पिघल जाती है पानी का रूप ले लेती है, तो वो पानी कहाँ पे जाता है? वो पानी जाता है नदियों में। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? रिवर्स, ये वाला देखिए यहाँ पे भी है रिवर्स दिया हुआ, वही रिवर्स यहाँ पे फिल करेंगे। फिर हम आते हैं अपने ई पे। ई में दिया हुआ है रिवर्स हैव लैंड ऑन डैश साइड, नदियाँ जो होती है उसके मतलब रिवर्स हैव लैंड ऑन, रिवर्स के चारों तरफ जमीन जो होती है वो कौन से साइड होती है? वो टू साइड्स होती है, दोनों तरफ होती है। नदी के दोनों तरफ क्या होती है? नदी तो बीच में होती है बेटा, और उसके दोनों साइड क्या होती है? दोनों साइड लैंड होती है। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? टू। फिर बाद में एफ में, और इसकी जगह आप बोथ भी फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है बोथ और टू, तो हम भी ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे बोथ भी लिख सकते हैं, BOTH बोथ। ओके, बोथ का भी वही मतलब होता है। नेक्स्ट है एफ, दे फ्लो एंड मीट, वो पानी बहता रहता है और कहाँ पे मिल जाता है? रिवर का, नदी का पानी बहता रहता है और लास्ट में जाके वो कहाँ पे मिलता है? सीज, SEAS, सीज मतलब समुद्र, एंड ओशंस, OCEANS, जो कि समुद्र से भी बड़ा होता है। मतलब जो रिवर से पानी बहता रहता है वो आगे जाके कहाँ पे मिल जाता है? समुद्र में मिल जाता है। तो यहाँ पे एफ वाले ऑप्शन में हम फर्स्ट में फिल करेंगे सीज और सेकंड में फिल करेंगे ओशंस। फिर है लास्ट हमारा जी, एंड डैश इज बिगर देन ए सी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो समुद्र, सी मीन्स अभी मैंने आपको आगे भी क्या बताया था, सी मीन्स समुद्र, ऐसी हमारी कौन सी चीज़ है जो समुद्र से भी बिगर होती है, समुद्र से भी बड़ी होती है? तो बेटा समुद्र से भी ज़्यादा बड़े होते हैं ओशन। वॉट इज़ द स्पेलिंग ऑफ ओशन? OCEAN। तो आज आपको क्या करना है, पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5, माई टर्न 1 एंड माई टर्न 2 दोनों को कंप्लीट करना है। ओके ओके बेटा, बाय।